हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। वैसे तो हर गार्डनर को कभी न कभी पौधों में लगने वाले पेस्ट यानी कीड़ों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन खास तौर पर गर्मी से लेकर बरसात के मौसम में छोटे छोटे सफेद या काले कीड़े, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स, मिली बग्स, लेडी बग, सफेद मक्खी जैसे कई कीड़े लगने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, जो पौधों का रस चूसकर उन्हें बीमार कर देते हैं। साथ ही पॉट्स में चींटियां भी लग जाती हैं। दोस्तों, जहरीले केमिकल पेस्टिसाइड से होने वाले नुकसान के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, इसलिए इनसे निपटने के लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप ही के किचन में मौजूद चीजों से नेचुरल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाने का सबसे आसान तरीका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको नेचुरल और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाने के दो मेथड्स बताऊंगा। ये पेस्टिसाइड्स आपके पौधों और आपकी सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होंगे। पहले मेथड के लिए आपको चाहिए चार चीजें: नीम की पत्तियां, लहसुन की 10-12 कलियां, 10-12 तीखी वाली हरी मिर्च, लिक्विड डिश वॉश या हैंड वॉश, या किसी भी तरीके का माइल्ड बेबी शैम्पू। सबसे पहले 1 लीटर पानी लीजिए, इसमें नीम की पत्ती डालकर तब तक उबालें जब तक पानी उबलकर आधा न हो जाए। अब लहसुन और मिर्च को ब्लेंडर में डालकर थोड़ा पानी मिलाइए और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। अब इस पेस्ट को 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे बाद इसे कपड़े से अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि इसका कोई भी पार्टिकल स्प्रेयर की नोजल ब्लॉक न कर सके। अब नीम का पानी भी इसी में छान लीजिए। अब इसमें 2 चम्मच लिक्विड डिश वॉश या हैंड वॉश डालकर अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो लीजिए, तैयार हो गया हमारा घर पर बना असरदार पेस्टिसाइड। अब स्प्रेयर में 50 ml तैयार कीटनाशक डालकर 500 ml पानी मिला दीजिए। इसे कीड़ों पर सीधे स्प्रे कीजिए, कुछ ही सेकंड में कीड़े मर जाएंगे। गमले की मिट्टी में चींटियां लगी हों तो 0.5 लीटर पानी में 5 ml तैयार लिक्विड डालकर सीधे मिट्टी में डाल दीजिए, चींटियां गमले से भाग जाएंगी। वैसे तो हमें पेस्टिसाइड और पानी का रेशियो 1:10 ही रखना है, लेकिन प्लांट की वैरायटी और पेस्ट ने कितना अटैक किया है इस हिसाब से आप पेस्टिसाइड की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसे आपको 1 महीने तक हर सप्ताह में 1 बार स्प्रे करना चाहिए। इसके स्प्रे के तुरंत बाद कीड़े खत्म हो जाते हैं और इसकी स्मेल के कारण लंबे समय तक प्लांट से दूर ही रहते हैं। जिनके पास नीम की पत्तियां अवेलेबल नहीं है और वो डिशवॉश यूज किए बिना 100% हर्बल पेस्टिसाइड बनाना चाहते हैं, तो नीम के पत्ते की जगह 0.5 टीस्पून काली मिर्च पाउडर यूज कीजिए और लिक्विड डिशवॉश नहीं डालिए। बाकी सारा प्रोसेस फर्स्ट मेथड जैसा ही रहेगा। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्प्रे कभी भी तेज धूप में नहीं करना है। इसे आप सुबह जल्दी या शाम को भी कर सकते हैं। वैसे तो ये कीटनाशक पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिर भी कुछ वैरायटीज के प्लांट्स बहुत नाजुक होते हैं। ऐसे प्लांट्स की कुछ पत्तियों पर पहले स्प्रे करके 1 दिन तक देखें कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ, और उसी के बाद पूरे पौधे पर स्प्रे करें। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि पेस्ट उन्हीं प्लांट्स पर ज्यादा अटैक करते हैं जो प्लांट्स पुअर सॉइल और ओवर वाटरिंग के कारण स्ट्रेस में होते हैं। इसलिए पॉटेड प्लांट्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए। प्लांट्स को समय समय पर खाद देते रहना चाहिए और हर 1-2 साल में नई मिट्टी के साथ रिपोर्टिंग करना चाहिए। कई बार केयर करने के बाद भी प्लांट अचानक बीमार होकर मरने लगता है और आप समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे मरने से कैसे बचाएं। आप मरते हुए पौधे को आसानी से बचा सकते हैं यदि आप सही तरीका जानते हैं तो। मरते हुए पौधे को कैसे बचाएं, इस टॉपिक पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। इसे देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।